मेरा ये कहना है कि कलाकारों को, फिल्मी कलाकारों को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, इनको फिल्म बनाते हुए ना खाली इस बात का ध्यान देना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे हमारे थोड़े से कमर्शियल फायदे के लिए, बल्कि उन्हें हर एक मोरलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में आप कॉन्डोम के ऐड कर रहे हैं तो इससे को हिंदू धर्म को बिल्कुल ठेस पहुंची है, हमारे सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है और इसके लिए हमने क्रिमिनल कंप्लेंट जो डाली है उसको हम परस्यू करेंगे और जो दोषी है उनको सजा दिलवाएंगे। हमने कंप्लेंट में सेक्शन 295A IPC, 298 IPC और 153A IPC और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कि ये सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स इन सब ने मिलके ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है और उसमें इन्वॉल्व थे। इन्होंने खाली अपनी पब्लिसिटी के लिए कि फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे, इन्होंने हिंदुओं की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है और सेंसर बोर्ड ने भी इसमें ये देखते हुए कि एक कॉन्डोम का विज्ञापन मंदिर में हो रहा है फिर भी इसको पास किया, तो जो बोर्ड मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको पास किया है उनके खिलाफ भी एक 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी IPC का केस बनता है। इन धाराओं के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या प्रावधान है? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इन धाराओं के तहत 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो अगर पुलिस आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा आपके? देखिए, अगर SHO साहब को हमने कंप्लेंट दी है, अगर उस पर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम हायर ऑफिशियल से मिलेंगे और अगर वहां से भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जहां से हमें बिल्कुल न्याय मिलेगा।